हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आइए आज डिस्कस करते हैं गवर्नेंस मीन्स का एक क्वेश्चन लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज मीन्स 2022 का जो हमारा स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप कोर्स चल रहा है फॉर यूपीएससी मेंस 2022 अपेयरिंग कैंडिडेट्स उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा मेंटोरशिप क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ थ्री प्लस इंपॉर्टेंट इशू बेस्ड क्वेश्चन 12 टेस्ट विद एट सेक्शनल एंड फोर फुल लेंथ टेस्ट एंड फाइव क्वेश्चन ऑफ मीन्स डेली साथ ही साथ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके पेयर्स के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा ताकि आप अपने आंसर्स को डिस्कस कर सकें ये कोर्स अवेलेबल है टेन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन पे इसके अलावा आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो मेंस क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2022 का ऑल दो काफ़ी कम दिन बचे हैं लेकिन जितने भी दिन हैं उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट क्यूरेटेड मिलेगा स्ट्रक्चर और क्वेश्चन का आंसर जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के आपके होंगे उसमें आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर जो थ्री प्लस इशूज़ कवर करते हैं वो आपके साथ यहाँ भी डिस्कस किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप भी होगा और फाइव क्वेश्चन डेली होंगे यहाँ पे बेसिकली कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है आपको तो इसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं खैर अब चलते हैं हमारे डिस्कशन के ऊपर जो आज की डिस्कशन है गवर्नेंस के लिए और डिजिटल गवर्नेंस के लिए बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने जो काफ़ी पॉसिबल है कि आपके आने वाले मेंस एग्जाम्स के अंदर किसी ना किसी पेपर में पूछा जा सकता है देखिए यूपीएससी में आप साइलोज नहीं बना सकते सिलेबस के कि जी ये क्वेश्चन इसी जी पेपर में आएगा जी एस वन एथिक्स कहीं पर भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं Question ko hai, the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rules 2021, and the recent draft amendments. Recent draft amendments, they had come in June 2022. They had proposed some changes in this code. They are a necessary evil in the realm of digital governance in the country, which has so far been functioning with a vacuum. commit अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एक तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दे देता है जिसमें ये क्वेश्चन बिलीव करता है अब आप उस स्टेटमेंट में बिलीव करते हैं नहीं ये आपकी चॉइस है लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि लॉजिक बेस्ड कैसे बिलीव करते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एनी आपसे कॉमेंट बोला गया है तो आप दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स इसमें रखेंगे एंड फाइनली अपना ओपिनियन भी रखेंगे क्योंकि कमेंट का मतलब कमेंट पास करना नहीं होता लेकिन हाँ यू हैव टू कमेंट मींस यू हैव टू गिव सर्टन ओपिनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने फ्रेश ड्राफ्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू आईटी रूल्स 2022 किया है जो 2021 के फेबररी में डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी और वो गाइडलाइंस अप्लाइन होनी थी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे और ओ प्लेटफॉर्म्स पे इससे पहले इन प्लेटफॉर्म्स को कौन रेगुलेट करता था उस पर एम्बिगटी बनी हुई थी लेकिन बाद में मीटी ने कहा यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कहा कि जी हम रेगुलेट करेंगे इसको और इसलिए हम ये गाइडलाइंस निकाल रहे हैं द रूल्स टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट फीचरिंग अ कोड ऑफ एथिक्स एंड थ्री डीयर ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क दैट रिसेंटली मीन्स कि ये 2021 के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो आपने दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है एक 2021 के रूल्स थोड़े से ब्रीफली डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर और आपने ये डिस्कस करना है फाइनली कि इसमें अभी रिसेंटली क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या आए हैं तो आप यहां पे दोस्तों डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सच अ नेसेसरी ईविल क्योंकि आपसे पूछा गया है कि ये नेसेसरी ईविल है जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं तो आप क्वेश्चन को ऐसे बता सकते हो आपकी अप्रोच ऐसी हो सकती है कि पहले आप ये बताओ कि सोशल मीडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या डिजिटल मीडिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से आईटी रूल्स लाए गए थे और आईटी रूल्स में क्या क्या बेसिक चीजें आपको पूरा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत बेसिक चीजें जो थी वो आप बताएंगे अमेंडमेंट्स के बारे में आप बताएंगे और फिर आंसर में कंक्लूड करोगे लेकिन आपके पास सेकेंड अप्रोच भी मैं आपको देता हूं क्योंकि कोई भी आंसर जो है वो बेस्ट आंसर तभी हो सकता है जब उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी हो और इसीलिए मॉडल आंसर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप इसको दूसरी तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में पहले गाइडलाइंस के बारे में बता सकते हो और फिर यह बता सकते हो कि क्या यह नेसेसरी ईविल है या नहीं है तो दिस अप्रोच स्टैंड सोल्ली ऑन यू बस आप इसको अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो आप उसी अप्रोच से चलेंगे मैं जो आपका अप्रोच बता रहा हूं वो वन ऑफ द अप्रोच है आंसर का देखिए ये सबसे पहले हमें एडमिट करना चाहिए कि वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग टू यू इज ऑफकोर्स इज द बेस्ट फ्रॉम माई साइड बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग यू कैन फॉलो आपने अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी है आंसर में तभी आप अलग निकल के आएंगे अब प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं? आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर दो सबसे पहले तो रैंपेंट फेक न्यूज हो रही है जिसकी वजह से आपको फैक्ट चेक मैकेनिज्म रखने पड़ रहे हैं फेक न्यूज न्यूज दैट गाब्स इट एज ट्रू बट इट एक्चुअली इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दिस इज़ अग प्रॉब्लम और उसके काउंटर में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी बहुत सारी बन गई हैं फैक्ट फैक्ट चेकिंग ट्विटर हैंडल्स बहुत सारे हैं रिसेंटली एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को चलाने वाले मोहम्मद जुबैर साहब को अरेस्ट भी कर लिया गया था ही हिमसेल्फ इज एन सेंटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्लेटोरा ऑफ न्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं उसकी वजह से खैर हम देख रहे हैं दूसरी चीज़ है कि अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू शेयर मॉफ ड इमेजेज़ ऑफ वूमेन कंटेंट रिलेटेड रिवेंज पॉन थे आर थ्रेटनिंग द डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ वूमेन तो ये विमेन सेंट्रिक इशूज़ भी हैं और इवन एनी अदर कम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी चिल्ड्रेन ट्रांसजेंडर इन सब लोगों के लिए भी ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू बन चुका है कि इस चीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाए और सेल्फ रेगुलेशन किस किस हद तक आप अलाउ कर सकते हो सोशल मीड डिजिटल मीडिया मीन्स सोशल मीडिया का और साथ ही साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स का मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर सेटलिंग कारपोरेट रैवलरीज इन अनएथिकल मैनर हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर बिजनेसिस ये आस्पेक्ट आपके लिए नया होगा क्योंकि आप ये समझें कि जो मार्केटिंग या एडवरटाइजिंग होती है वो किस हद तक डिफेम या डिप्यूटेश आप किसी बंदे को किस हद तक डिफेम कर सकती है या नहीं कर सकती है वो ऑलरेडी डिफेमेशन लॉ है हमारे यहाँ सेक्शन फोर नाइन्टी नाइन ऑफ आई पी सी लेकिन उसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से अगर आप ऐसा कुछ करते हो अपने बिजनेस राइवल्स के साथ कॉर्पोरेट राइवल्स के साथ अनएिकल पोस्ट uh, करते हो किसी तरह का उसको कैसे रेगुलेट करना है खैर ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा अभी डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस में ऐसी रेगुलेशन नहीं है कुछ खास लेकिन आने वाले समय में इसमें चेंजेस हो सकती हैं ये तो हम बता रहे हैं कि क्या नीड है भाई क्या नेसेसरी ईवल है रेगुलेट करने की डिजिटल मीडिया को देन वील से दैट क्रिमिनल्स का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना देखा गया है हमने ये देखा गया है कि प्रोटेस्ट को वायलेंट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है डेली की 2020 की नेगोसी, जो इन्वेस्टिगेशन थी 2020 के दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइड्स हुए थे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में जानकारी प्राप्त हुई है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम इन सब सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल किया गया था वायलेंस को प्रोपोगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट करने के लिए तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं इसी वजह से रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है ओ टी प्लेटफॉर्म्स की एक और खास बात है या सोशल मीडिया इंटरमीडिय की भी एक और खास बात है कि दोस्तों आप लोगों का डेटा जिसका मिसयूज होना तय है हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस देखा है 2016 के अमेरिकन uh, इलेक्शंस में हम ये देखते हैं कि देर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्पाईवेयर दैट इज देयर और स्पाईवेयर का भी uh, कई डिजिटल आई मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज या सोशल मीडिया कंपनीज के साथ लिंक uh, देखा गया है तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर लीडिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर द रेगुलेशन तो आप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिस्ट आउट कर सकते हो आप ये बताएंगे कि यूज़र डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ इस देश के अंदर नहीं है और यूजर डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है किस परपज के लिए इस्तेमाल करना है कितनी देर तक अपने पास स्टोर करके रखना है ये सारी क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो जब आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आपके पास अभी तक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था तो फिर सिर्फ उन कंपनीज़ के बनाए गए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो चलते थे फॉर एग्जाम्पल हमने रिसेंटली देखा कि व्हाट्सएप ने जब अपनी प्रिवेसी पॉलिसी को अपडेट uh, करने की कोशिश की तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि आप आ, किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस प्राइवेसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका डेटा जो है वो फेसबुक और बाकी मेटा वाले प्लेटफॉर्म्स के साथ इस्तेमाल होने वाला था तो आप इस डेटा को भी रेगुलेट करना चाहते हैं इस वजह से फ़ाइनली आप ये चाहते हो कि सोशल मीडिया इंटरमीडरीज जो हैं, वो सिर्फ़ इंटरमीडरी की तरह काम नहीं कर रहे अगर कर रहे होते तो ठीक था लेकिन वो पब्लिशर की तरह अब आजकल के टाइम पे करंट अफ़ेयर्स न्यूज़ के पब्लिशर बन चुके हैं वो आ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के पब्लिशर भी बन चुके हैं तो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी वो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते इस सोच के साथ 2021 में ये आईटी रूल्स लाए गए थे जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन में मेंशन है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड वगैरह वगैरह अब ये जो आई रूल्स थे ये अप्लाई होते थे तीन चीज़ों के ऊपर मेनली तीन इसके ब्रॉड टारगेट ऑडियंस थी एक थी ओ प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम और ऐसे आजकल ढेरों जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन गए तो वो थी दूसरा थी डिजिटल सोशल मीडिया इंटरमीडिय और तीसरे थी ऑनलाइन करंट अफेयर्स प्रोवाइडर या न्यूज प्रोवाइडर्स क्योंकि वो लोग डिजिटल मीडिया के अंदर न्यूज का प्रोवाइड uh, uh, का करने का काम कर रहे थे बट वो ना तो टीवी ना ही प्रिंट मीडिया की गाइडलाइंस के अंदर आ रहे थे तो इन तीनों को टारगेट करने के लिए आपने बस ये ओवरव्यू दे देना है कि आईटी टी रूल्स में क्या क्या चीजें थी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ता था जिसका एक था चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड दैट वाज फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अगर यूजर्स हैं उसमें तो वो एसएसआई हो जाएंगे उनको एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रखना पड़ता था जो लॉ इन्फोर्समेंट पड़ता है मीन्स यही रेगुलेशन अब इम्प्लीमेंट कर कर रहे हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ ट्वेंटी फोर वो कनेक्टेड रहेगा ताकि उनसे जो इंफॉर्मेशन वो डिमांड करते हैं उसको वो प्रोवाइड करे दैट शुड बी देयर ग्रीवेंस ऑफिसर दैट नीड्स टू बी अपॉइंटेड तो एक किसी भी कंटेंट या पोस्ट को लेके अगर कोई ग्रीवेंस होता है किसी भी यूजर को तो या नॉन यूजर को भी वो जाके इस ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट करेगा ग्रीवेंस ऑफिसर को ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज करनी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर अंदर और इसे 15 दिन में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा आई विल जस्ट

रूल्स लेकिन कौन सा कंटेंट 24 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर करना है ना यानी रिमूव करना है वो यहाँ पे किस तरीके का था अगर वो कंटेंट अब्यूजिव है या डिग्निटी या प्रिवेसी ऑफ वुमेन है मतलब कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट है कोई प्राइवेट पिक्चर्स लीक की गई हैं इस तरीके की अगर आ, कोई कंटेंट होता था तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेंट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर रिमूव करना होता था और ग्रीवेंस मतलब जो पिछला पॉइंट था ग्रीवेंस मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्टेंट जो है आ, Uh, किसी तरीके से आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है आप चाहते हो कि उसको आपका प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉक कर दे कई बार वो रिमूव कर देता है ट्वीट या कोई पोस्ट तो वो चीज़ ग्रीवेंस में जाती है और वो सारी की सारी ये वाली कैटेगरी में नहीं होती तो रिमूवल ऑफ कॉन्टेंट वॉज देयर फॉर कि ट्वेंटी आवर्स के अंदर करना होता था ये वाला कॉन्टेंट सारा कॉन्टेंट नहीं जिसकी कंप्लेंट जाएगी वो सारा कंटेंट नहीं और ये खासकर जो कंप्लेंट जाती थी अगर तो कोई अथॉरिटी ऐसी कंप्लेंट कर दे अब रिसेंटली यही बात जो है वो डिस्कस हुई थी अंडर सेक्शन 69 ए ऑफ आईटी एक्ट तो ये कहता है कि गवर्नमेंट जब डायरेक्शन देता है ना तब आपको वो कंटेंट रिमूव करना ही पड़ेगा यह पिछला वाला तो मैंने ये वाला तो जो कंप्लेंट पे होता है वो चीज़ है अगर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आपको कोई कंटेंट रिमूव करने के लिए ऑर्डर आता है तो आपको आईटी एक्ट को मानना पड़ेगा तभी आप एक सोशल मीडिया इंटरमीडरी की तरह सेफ हार्बर प्रोविजन ले सकते हो वट डज दैट मीन सेफ़ हार्बर प्रोविजन सेफ़ हार्बर प्रोविजन्स कहता है कि देखो अगर कोई भी आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट पे या आपकी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल कंटेंट डालता है विच इज़ क्रिमिनल इन नेचर दैट कैन बी चार्ज्ड अंडर द आई देन यू गाइस वॉन्ट बी चार्ज्ड फॉर दैट आप तो बस एक प्लेटफॉर्म हो आप बस एक प्लेटफॉर्म हो आप पे आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने किसी तरीके का कोई ऐसा पोस्ट कर दिया उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा कर दिया जिससे कोई इंडिया का कोई पर्टिकुलर लॉ ब्रेक हो रहा है मान लो वही सेक्शन टू फाइव ए जो आजकल लगता है प्रमोटिंग हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स एंड सेक्शन वन फिफ्टी थ्री ए प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स अगर ये वाला सेक्शन कोई बंदा वायलेट करता है आपके मीडिया के थ्रू तो आप लायबल नहीं होते हो पनिशमेंट के यू आर नॉट लाइबल बट माई डियर फ्रेंड्स इफ दीज आर नॉट कंप्लाइड विद ये जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ अगर ये कंप्लाई नहीं करता है तो गवर्नमेंट ने ये साफ साफ कह दिया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ये अप, अपने कंप्लाई नहीं करेगा इन रूल्स को उसको सेफ हार्बर प्रोविज़न नहीं मिलेगा मतलब अगर उसकी वेबसाइट पे किसी ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो इलीगल है तो वो बंदा तो लाइबल हो गई प्रोसीडिंग्स के लेकिन वो वेबसाइट भी लाइबल होगी प्रोसीडिंग्स के यही चीज़ इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स था मॉरल था स्टोरी का जो आपने मेंशन कर देना है अपने आंसर में दोस्तों और एक चीज़ इसके अंदर बताई गई थी कि जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं या सोशल मीडिया इंटरमीडियट हैं उनके लिए ये कहा गया था कि थ्री टीयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें एक सेल्फ रेगुलेशन होगा सेल्फ मतलब अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर रेगुलेशन होगा फिर सेकेंड लेवल पे उन ऑर्गेनाइजेशंस का एक कमेटी बनेगी जिसके लेवल पर रेगुलेशन होगा एंड फाइनली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इसमें ओवरसाइट करेगी कि मतलब मान लीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म से किसी ने कोई ग्रीवेंस किया है और आप उस ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट लेवल पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगा वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में एक रिटायर्ड जज को बिठा देंगे और आपकी जितने भी होंगे जैसे मान लो फेसबुक एमेजॉन और ये फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये खैर ये तो सारे ऑलमोस्ट एक ही बंदे से होने मतलब ये सारों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में और ऊपर एक जज को बिठा दिया जाएगा फिर वो उसका ग्रीवेंस रिटर्सल करेगा अगर तब भी नहीं ग्रीवेंस रिटर्सल होता तो फाइनल अथॉरिटी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बताई गई थी अब ये थ्री लेवल का जो थ्री टीयर ग्रीवेंस रिटर्सल मैकेजम है इसको अब फाइनली गवर्नमेंट ने एक नए टाइप में डाल दिया है इन द न्यू अमेंडमेंट्स तो ये वाली जो चीजें थी ना दोस्तों ये आईटी रूल्स ये फेबर 2021 में गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया था और इसको इसकी कंप्लायंस भी शुरू हो चुकी है फिर गवर्नमेंट ने क्या किया जून 2022 के अंदर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने के लिए एक और नोटिफिकेशन निकाला और ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं दीज आर इन रिस्पॉन्स टू वन पर्टिकुलर ग्रीवेंस ऑफ द गवर्नमेंट वट इज दैट ग्रीवेंस द ग्रीवेंस इज दैट जब गवर्नमेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरीज को कहती है कि कोई पर्टिकुलर बंदे का पोस्ट ब्लॉक कर दो तो कई बार ऐसा पाया गया है कि ट्विटर ने किया अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी थी सेक्शन 69 नाइन है ऑफ आई एक्ट की उसके वजह से ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में केस भी कर दिया है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू वो आज नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन गवर्नमेंट जब कहती है कर्नाटका जब गवर्नमेंट जब कहती है ट्विटर को कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट आपने बैन कर देना है बंद कर देना है तो ट्विटर का उसे करना पड़ता है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये वाली पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से बट ट्विटर समटाइम्स इट सेल्फ ऑल्सो इट ब्लॉक्स सर्टन कंटेंट क्योंकि ट्विटर की खुद की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ पैरामीटर है जिसके हिसाब से वो किसी कंटेंट को अलाउ या डिसअलाउ करता है रिपोर्ट करता है ब्लॉक करता है वट एवर बी द केस में भी तो गवर्नमेंट ने ऐसा पाया कि कई बार वो कंटेंट को मॉडरेट करने लग जाता है और जब तुम कंटेंट को मॉडरेट करने लग जाओ कि ये कंटेंट सही है और ये कंटेंट गलत है देन यू आर नो लॉन्गर एन इंटरमीडियरी आप नो लॉन्गर इंटरमीडियरी हो अगर आप पूरी तरह इंटरमीडियरी हो इसका मतलब कि आप कंटेंट को रेगुलेट मत करो ये रेगुलेट करने का काम सरकारी रेगुलेटरी एजेंसीज को करने दो ऐसा मेरा पक्ष नहीं है ऐसा गवर्नमेंट का पक्ष है सो आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड दैट पॉइंट और अगर तुम अगर तुम कंटेंट को मॉडरेट करते हो अगर तुम मॉडिफाई करते हो तो फिर इसका मतलब तुम इंटरमीडियरी नहीं हो यू आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग आउट सो दैट मीन्स यू शुड बी हेल्ड लाइबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग आउट यू कैन नॉट हैव बोथ ऑफ बेस्ट है ऐसा कहा गया ट्विटर को और बाकी ट्विटर में जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को तो गवर्नमेंट ने ये कहा जून 2022 में उन्होंने और नए अमेंडमेंट्स लाए जिससे और भी ज्यादा उन्होंने रेगुलेट करना शुरू करने की कोशिश की है सोशल मीडिया को कैसे गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील कमेटी विल बी क्रिएटेड दैट विल बी एबल टू वीटो कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन टेकन बाय सोशल मीडिया इंटरमीडियज लाइक फेसबुक ट्विटर एंड यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल इफ योर कंटेंट इज ब्लॉक्ड बाई यूट्यूब ट्विटर फेसबुक एंड यू हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट इट देन आफ्टर गोइंग टू यूट्यूब यूट्यूब का ग्रीवेंस रिटर्सल मैकेनिज्म अगर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप गवर्नमेंट के पास अपील लेके जा सकते हो और गवर्नमेंट यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम की उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है दैट मीन्स द फाइनल एपलेट अथॉरिटी बिकम्स द गवमेंट अब इस अपील्स कमेटी के अंदर चेयरमैन और मेम्बर जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो ये एक अमेंडमेंट लाने की बात की गई दूसरा अमेंडमेंट दोस्तों जो दो हज़ार के रूल्स के अंदर लाया गया वो ये था दैट इज़ स्टिल अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट वो ये था कि ग्रीवेंस ऑफिसर्स जो हैं जो सोशल मीडिया कंपनीज के हैं उनको अब जितनी भी कंप्लेन सेक्शन थ्री ऑफ द गाइडलाइंस में थी सेक्शन थ्री जो था ना गाइडलाइंस का उसमें बताया गया था कि कौन से पर्टिकुलर केसेस में आपको ग्रीवेंस को ग्रीवेंस uh, रिड्रेसल करना है या कंटेंट रिमूवल करना है तो वो चीज पहले टाइमलाइन दी हुई थी पंद्रह दिन की फिफ्टीन डेज की अब किसी भी चीज के लिए अगर ग्रीवेंस उनको रिड्रेस करना है तो उनकी टाइमलाइन रिड्यूस हो चुकी है दैट इज विद इन सेवेंटी टू आवर्स दैट हैज टू बी डिस्पोज ऑफ सो वो टाइमलाइन भी रिड्यूस कर दी है ग्रीवेंस रिड्रेसल की एंड कंटेंट रिमूवल की भी पहले क्या था पहले सिर्फ जो ये वाला कंटेंट था दोस्तों दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ जो ये वाला कंटेंट था जिसमें डिग्निटी ऑफ यूजर्स विमेन की अगेंस्ट uh, अब्यूजिव जो कंटेंट था उसको 24 फोर आवर्स में ही आपको रिमूव करना पड़ना था दैट वॉज रिमूवल एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट के लिए 15 दिन दिए थे यहाँ पे रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस के लिए भी टाइम रिड्यूस कर दिया बहत्तर घंटे कर दिया है इसका मतलब और भी ज़्यादा टाइट चेक रखा जाएगा सोशल मीडिया इंटरमीडियज पे सो दीज न्यू अमेंडमेंट्स एज पर गवर्नमेंट ने जो ये अमेंडमेंट्स किए हैं उसी में लिख दिया है कि हमने इसलिए किया है ताकि भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकार बचाए जा सके यानी कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल कर रहा है और उसे ब्लॉक किया गया है तो हम उसे बचाएंगे है ना यही कहने का मतलब है गवर्नमेंट का दूसरा गम, जो अपील्स कमेटी है वो ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ इंटरमीज डू नॉट एड्रेस ग्रीवेंसिस देर सेट तो इस सिचुएशन में हमें अब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ेगी तो यही गवर्नमेंट ने इसके आपको रीजन uh, दिए हैं खैर वट शुड बी द वे फॉरवर्ड इज हेयर दैट वी शुड ट्राई टू मेक इन प्लेस टेक इन प्लेस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क which इज ऑल स्टेक होल्डर्स दैट user यूजर एसोसिएशन को भी आपने रेगुलेशन में लगाना चाहिए जो सोशल मीडिया हैं, उनको आपको इस चीज के लिए इस्तेमाल करके उनके जो यूजर्स हैं उनको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में यूज करना चाहिए डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी नए हैं इसलिए हम ये नहीं जज कर पाएंगे कि कितने एफिशिएंटली ये राइट्स को या अधिकारों को आपके डिफेंड करेंगे सो so, कंसर्न्स भी आप बता सकते हो दैट यू हैव सर्टेन कंसर्न्स दैट इफ गवर्नमेंट विल रेगुलेट दाइ ट्राई टू पॉलिटिसाइज दीज इशूज क्योंकि आपने कॉमेंट करना है लेकिन आप जाओगे इसी के साथ कि रेगुलेशन करनी है बिकॉज यू आर राइटिंग अ गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे हो ना तो आपको थोड़ा बहुत तो इसमें बोलना पड़ेगा कि रेगुलेशन जरूरी है तो सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज मच एज पॉसिबल देर शुड बी लाइट टच रेगुलेशन ये देखो, या सॉफ्ट टच रेगुलेशन जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम केसेस में हो एक्सेप्शनल केसेस में ही गवर्नमेंट अपील की कमेटी के पास चीजें जाए ये नहीं कि हर कोई पहुंचा हुआ है कि मेरा पोस्ट डिलीट कर दिया तो गवर्नमेंट उसको प्लीज ट्विटर को बोलो मेरा पोस्ट दोबारा ले आए या फाइन लगा दो ट्विटर के ऊपर ये सब आप नहीं करवाना चाहते बिकॉज गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम ये तो आपका रूल है तो ये रूल जो है वो वायलेट हो जाएगा फाइनली यू विल कंक्लूड बाय सेंग कि जो न्यूली इम्प्लीमेंटेड आई टी रूल्स हैं वो नेसेसरी तो है क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को रोकना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हरासमेंट ड्रग पेडलिंग एंटीनेशनल एलिमेंट्स डेटा प्रोटेक्शन दिस ऑल नीड्स टू बी देयर बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए दैट दे डोंट कर्व इनोवेशन प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बैलेंस्ड आंसर आप दे दोगे इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दोगे एंड जब आपने इतना अच्छे से एनालाइज कर दिया होगा ये तो आपको काफ़ी वर्ड्स हो गए यू विल एनालाइज इन ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ दीज वर्ड्स तो आप जब एनालाइज कर दोगे तो आपका एक बेहतरीन आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा